होंडा शाइन 125। आज इस वीडियो में हम इस गाड़ी के बारे में बात करने वाले हैं, जो कि इस गाड़ी को लेकर काफ़ी सारे कमेंट भी आए और मैसेजेस भी आए इंस्टाग्राम पे। तो आज हम होंडा शाइन के बारे में बात करने वाले हैं कि आपको आने वाले कुछ मंथ में गाड़ी में क्या क्या नए अपडेट्स देखने को मिल सकते हैं। तो चलिए करते हैं स्टार्ट वीडियो को। होंडा शाइन 125 गाड़ी में जो है अभी आपको मिलता है हैलोजन का लाइट, जो कि लोगों को काफ़ी ज़्यादा तकलीफ है कि इसमें ये फीचर्स नहीं मिलते हैं, जैसे कि गाड़ी में आपको एलईडी लाइट वगैरह नहीं मिलता है। तो भाई आपके लिए गुड न्यूज़ है, होंडा जो है अपनी सभी गाड़ियों में छोटे मोटे अपडेट्स करने वाला है। जैसे कि भाई आपको जो होंडा की शाइन है इसमें आपको एलईडी का लाइट मिल जाएगा, साथ ही आपको मिलेगा एलईडी का डीआरएल। जी हाँ, क्योंकि भाई सभी ब्रांड प्रोवाइड करा रहे हैं। बाकी गाड़ी का जो कंसोल है उसमें भी आपको चेंजेस देखने को मिल जाएगा। इसका जो कंसोल है वो आपको मिलेगा फुली डिजिटल, जिसमें भाई अपना आप मोबाइल फ़ोन कनेक्ट कर पाओगे, और इसमें आपको देखने को मिल जाएगा मोबाइल चार्जिंग पोर्ट। जी हाँ, जो कि ये भी आपको डेफिनेटली मिलने वाला है। और इसका भाई जो पूरा शेप है बॉडी का, पैनल्स का, A to Z फेयरिंग का, वो आपको काफ़ी ज़्यादा चेंज देखने को मिलेगा। ये गाड़ी भाई आपको बहुत ज़्यादा हैवी एंड मस्कुलर लुक के साथ देखने को मिलेगी, क्योंकि होंडा जो है शायद होंडा की जो शाइन है इसे रीडिज़ाइन करने वाला है। क्योंकि भाई होंडा की जो शाइन है, इसकी जो बॉडी के पैनल्स हैं, ये काफ़ी ज़्यादा आउटडेटेड हो गए हैं, और जो गाड़ी की सेल फिगर है वो भी काफ़ी ज़्यादा डाउन हो गई है। तो ऐसे में फेयरिंग में आपको चेंजेस मिलेगा। इसका भाई जो इंजन है वहाँ पे आपको काउल वगैरह देखने को मिल जाएगा। बाकी जो भाई है आपको गाड़ी में मिलेंगे बिल्कुल ही नए कलर्स, और आपको भाई मिलेंगे बिल्कुल ही नए ग्राफिक्स, जिससे कि भाई गाड़ी जो है काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव और काफ़ी ज़्यादा आई कैची आपको लगने वाली है। बाकी इसका भाई जो डायमेंशन होगा, जो वेट होगा, उसमें भी आपको चेंजेस देखने को मिल जाएंगे। ब्रांड जो है गाड़ी में लॉन्च करेगा दो वेरिएंट, पहला आएगा सिंगल डिस्क और एक आएगा नॉन डिस्क, जो कि भाई जो ABS है वो अभी कंफर्म नहीं है। और भाई गाड़ी के जो टायर्स हैं वो भी बहुत ज़्यादा पतले मिलते हैं अभी आपको, जो कि भाई मैंने खुद देखा है, और बहुत से लोगों ने कहा कि भाई होंडा जो है साइकिल के टायर देता है, तो इसमें जो है आपको वाइट टायर देखने को मिल जाएगा अभी के मुकाबले। भाई फ्रंट में आपको 240mm के डिस्क, पीछे आपको मिलेगा 130mm का ड्रम, और आपको मिलता है फ्रंट में टेलीस्कोपिक का फॉर्क, पीछे आपको मिलता है ट्विन शॉक एब्जॉर्बर, जो कि भाई आपको सॉकर ब्रेक तो सेम मिलेगा लेकिन जो टायर है वो आपको चेंज मिल जाएगा, और जो लाइट है वो आपको मिल जाएगी LED की। बाकी भाई इसका जो इंजन है उसमें आपको कोई भी चेंजेस नहीं मिलेंगे। भाई इसमें आपको मिल जाता है 123.94 cc का 4-stroke BS6 इंजन, जो कि आपको मिलता है PGM-FI के साथ। गाड़ी आपको देगी वही 7.9 kW का पावर, और जो टॉर्क है वो आपको मिलेगा 11 Nm का, जो कि भाई ये सब कुछ आपको बिल्कुल सेम मिलेगा। और होंडा जो है इस गाड़ी को लॉन्च करेगा दिवाली से पहले पहले, तो आप लोग चाहो तो आने वाली नई होंडा शाइन 125 का वेट कर सकते हो, जो कि भाई ये गाड़ी बहुत ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी पैकेज होने वाली है। और इसका भाई जो प्राइस है वो आपको लगभग महंगा मिलेगा, 5,000 रुपये तक। भाई ये गाड़ी अभी आपको मिल जाती है डिस्क ब्रेक के साथ 81,000 रुपये की, तो भाई आप इतना प्राइस एक्स्ट्रा मान के चलो कि आपको गाड़ी लगभग महंगी मिल जाएगी 5,000 रुपये तक। तो बताना भाई कि आप लोग इस गाड़ी का वेट करना चाहोगे या फिर आप कोई और बाइक परचेस कर लोगे। तो मेरी भाई जो वीडियो है आप इसे कर दो अभी के अभी लाइक, जो कि भाई बिल्कुल फ्री है, और भाई सब्सक्राइब है वो भी कर लो भाई, वो भी फ्री है। तो मिलते हैं भाई नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।